पश्चिम बंगाल के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में तैनात जूनियर डॉक्टर के साथ बेरहमी से जो दुर्दांत घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद देश भर के सभी जूनियर डॉक्टर लामबंद हो गए हैं। झांसी के महाराज लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में तैनात जूनियर डॉक्टर्स ने एक दिन के कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी और उन्होंने मेडिकल कॉलेज से लेकर पैरामेडिकल कॉलेज तक मार्च निकाला। जूनियर डॉक्टर्स का यह कहना है कि अगर कैंपस में ही सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती है तो हम और कहीं सुरक्षा की क्या बात करें। उन्होंने मेडिकल कॉलेज झांसी में क्या समस्याएं हैं इस पर बात कही और मेयर डॉक्टर्स ने खुलकर कहा कि यहां भी सुरक्षा व्यवस्था में कमी है, आए दिन बाहर के लोग हॉस्टल्स के आसपास घूमते रहते हैं। क्या मांगे हैं? देखिए, आपको पता ही होगा कि जो वेस्ट बंगाल मेडिकल कॉलेज में हुआ है उनकी हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि उनकी जो कातिल हैं उनको पता लगाया जाए और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो कि ऑल 24 घंटे ड्यूटी करते हैं उनकी सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं। हमारी बस इतनी सी डिमांड है क्योंकि हमारे पास ना यहाँ रूम है, ना यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स रहते हैं, कोई भी कभी भी घुस जा रहा है, ना कैमरे काम कर रहे हैं, यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लड़के घूमते रहते हैं, ना यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स रहते हैं, इस सब की हमारी डिमांड है। हाँ, ये हम झांसी मेडिकल कॉलेज में महिलाएं डॉक्टर्स भी ये सेम डिमांड रखती है। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है लेकिन किसी क्या गारंटी की आगे कुछ नहीं होगा। मेरा नाम डॉक्टर तान्या त्यागी। कॉलेज में महिला सुरक्षा को लेकर आपको चर्चा करेंगे, क्या इंतजाम है और क्या कमियां हैं, क्या दिखता है? देखिए, हम यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है लेकिन अंदर डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रहती। हम चाहते हैं कि वहाँ पे भी सिक्योरिटी रहे और थोड़े ज़्यादा रात में थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रहे और यहाँ से बाहर के जो लोग आते हैं उन पे चेक लगाए और गर्ल्स हॉस्टल के बाहर तो बाहर से लोग आए ही ना वहाँ पे उस साइड। ये एक्चुअल में पिछले दिनों कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में पल्मोनरी मेडिसिन सेकेंड ईयर पीजीटी के साथ रेप करके उसको मार दिया गया। ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी वो, और मतलब इतनी असुरक्षा के साथ काम करना और इतनी गंभीर घटना होना ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। उसी घटना के देखते हुए और हमारे जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ यूपी, इन दोनों के आह्वान पे आज हम लोगों ने ओपीडी कार का बहिष्कार किया और रूटीन सर्विस को बंद किया हुआ है। हमारी मांगे ये हैं कि जो पीड़िता है उसके मामले की सीबीआई इंक्वायरी हो, घर वालों को मुआवजा दिया जाए, जिस कैंपस में वो लोग रह रहे हैं वहाँ उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए और हमारे कैंपस में भी लड़कियों और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा पूरे मेडिकल कॉलेज कैंपस में स्पीड ब्रेकर बनाए जाए और बाहरी लोगों का अनाधिकृत प्रवेश, जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया हैं, हॉस्टल्स हैं, जो वार्ड मतलब हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल, उनके आसपास उनका रोका जाए।